सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। कैसे आप सुनेज की कॉर्नी धमाकेदार वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ यार, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार। बहुत लोगों ने अभी मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो प्लीज़ यार अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है तुम्हारा, ताकि तुम यार सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो यार आज मैं तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ रूटर को मोनेटाइज कैसे करें। मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यार रूटर से लाइव स्ट्रीम करके पैसा कैसे कमाएं, तो आज मैं कवर करने वाला हूँ कि रूटर को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कैसे करें। तो वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखना और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चलो बिना किसी वक्त वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, अपना रूटर ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखो अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आना। आने के बाद यहाँ पे तुमको देखो एडिट प्रोफाइल पर जाना है। एक अच्छा सा यहाँ पे थंबनेल मतलब अपने गेमिंग के लिए एक फोटो लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने नेम में एक अच्छा सा गेमिंग नेम रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है, योर लोकेशन है, ये सब अपना भर लेना, सब कुछ फिलअप कर देना। और ये यूट्यूब इंस्टा मतलब सोशल मीडिया में भी कुछ भर देना, ठीक है। और यहाँ पे फेवरेट गेम भी सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट गेम है BGMI, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेना तुम, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी। और अगर तुम तेलुगु से हो तो तेलुगु सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो तुमको क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे मतलब ये सेट कर लेना, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि लोगो देखते हैं तुम्हारा प्रोफाइल का लोगो कैसा है और नेम कैसा, मतलब ये रहता है तो अच्छा लगता है भाई देखने में। तो वो सिलेक्ट करने के बाद देखो तुमको क्या करना है, अब अपने मतलब रूटर को जल्दी जल्दी मोनेटाइज कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये न्यू अकाउंट है और यहाँ पे 0 लिसनिंग आवर्स है। देखो तुमको क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमको गेम सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ मैं, माइनक्राफ्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल तुमको एक अच्छा सा टाइटल देना है, तो यहाँ पे मैं टाइटल यहाँ पे एक अच्छा दे देता हूँ, माइनक्राफ्ट गेम प्ले 500 रूटर कॉइंस गिव अवे, मतलब ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। माइनक्राफ्ट गेम प्ले अच्छा, जो तुमको अच्छा लगे ना वही डालना, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगे वही डालना, तुम किसी के कहने पे मत डालना। यहाँ पे मैं 5000 क्वाइंस की हुए लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम जैसे टाइटल लिख लेते हो, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग्स जाने के बाद यहाँ पे तुमको देखो स्ट्रीम क्वालिटी, देखो सबसे बड़ा पॉइंट यही है स्ट्रीम क्वालिटी कि कितने पे करोगे। मतलब अगर तुम 360 पे करोगे या फिर 240 पे करोगे ना, तो तुम्हारा 100% है 21 डे का फीडबैक चली जाएगा। मतलब मोनेटाइज होने के लिए तुम्हारे 21 दिन लग जाएंगे कंप्लीट होते 50 लिसनिंग आवर्स। तुमको किस क्वालिटी पे करना है, देखो 720 क्वालिटीज पे करो या फिर 480 पे, इन दोनों पे करोगे ना तो चांसेस रहते हैं कि तुम्हारा तुरंत का तुरंत मोनेटाइज हो जाए। मतलब रूटर वाले तुम्हारा तुरंत का तुरंत चेक करें और तुरंत मोनेटाइज कर दें तुम्हारा रूटर अकाउंट। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम 480 पे करो या फिर 720 पे, ठीक है। उसके बाद ओवर ले लेना है तुमको यहाँ पे। यहाँ पे मैं लेता हूँ UPI प्रमोशन, ताकि तुम्हें जैसे यूट्यूब में कोई बंदा किसी को सुपर चैट मतलब देता है तो यहाँ पे भी तुम्हें कोई दे सके, तो तुम ये ले सकते हो UPI प्रमोशन। उसके बाद यहाँ पे मैं लेने के बाद जैसे अभी नहीं ले रहा मैं कुछ, वरना उसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे थंबनेल वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो तुम जिस जोन का भी गेम खेल रहे हो किसी गेम के लिए एक थंबनेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर वो थंबनेल इसमें नहीं मिल रहा तो तुम अपने गैलरी में भी अगर तुमने बना के रखा है तो गैलरी से भी ले सकते हो। पहले क्या करना था कि पहले मतलब बाय करना पड़ता था गैलरी के लिए, तो अभी ये सब सिस्टम नहीं है, सब कुछ फ्री कर दिया गया, तो यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद तुम चाहो तो शील्ड मोड लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते, उसका कोई वैल्यू नहीं है अभी फिलहाल में। तो यहाँ पे तुमको अगर यहाँ पे स्ट्रीम डिले देखो तुमको लेना है 60 सेकेंड का, ठीक है, 60 सेकेंड्स का स्ट्रीम डिले लेना है। उसके बाद देखो बूस्ट का मतलब, यहाँ पे देखो अगर तुमको ज़्यादा ज़्यादा लिसनिंग आवर्स या फिर फॉलोअर्स चाहिए ना, तो तुमको ये करना जरूरी है। मतलब बूस्ट का ऑप्शन लोगे ना तो तुम्हारा 3 गुना ज़्यादा रीच आएगा और लेवल भी तुम्हारा मतलब रीच मतलब रूटर तुम्हारा बहुत आगे तक भेजेगा। तो इसे तुम ले सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर जैसे तुम्हारे 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो अगर इसे करोगे तो भाई 600 व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पे। उसके बाद देखो तुम बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे फैन लीडर बोर्ड में कम से कम 500 रूटर क्वाइन का गिव अवे करना फर्स्ट टाइम, ठीक है। 500 से ज़्यादा मत करना, ताकि तुम्हारे अभी तुम तो भी तुम्हारा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो तुम ज़्यादा करके क्या करोगे, तो तुम्हारे ऊपर है तुम 500 का कर रहे हो या फिर 1000 का, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, इस पे तुमको ना देखो सर्वर URL दे सकते हो किसी का और सर्वर की दे सकते हो। इसका क्या मतलब है, देखो अगर तुम किसी और भी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो उसका सर्वर URL दे सकते हो,
सकते हो, सर्वर की दे सकते हो और वहाँ पे भी लाइव जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव टू प्रोफाइल जरूर करना, ताकि तुम जो भी लाइव करो तुम्हारे रूटर वाले प्रोफाइल में वो दिखे। मतलब ये ऑफ रहेगा ना, तो तुम जो लाइव स्ट्रीम करोगे वो तभी तक दिखेगा, तुम्हारे करने के बाद वो लाइव स्ट्रीम नहीं दिखेगा, तो इसको ऑन करना, ठीक है। और देखो सबसे पहली मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात, फैन लीडर बोर्ड जरूर करना, ठीक है। 500 का करो या फिर 1000 का, लेकिन करना ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन यार जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार।